आपके कोडिंग की फाइल हो, नहीं समझ में वह कोडिंग की फाइल उसी में होनी चाहिए, समझिए जैसे मैं यहां नया फोल्डर बनाता हूं, ठीक है। और आज का डेट कितना है, 25/7/23, ठीक है। अब अगर मुझे ये रन करना है तो फॉन्ट वन का ये मेरा फाइल था, कॉपी कीजिए, यहाँ जाके इसको पेस्ट कीजिए, तो यही वो कोडिंग आ जाएगी। इसको हम क्लोज कर रहे हैं, इसको भी क्लोज कर रहे हैं। और कहाँ फाइल बनाते हैं, ये बना था, अब इसको हम लॉन्च करें, देख रहे हैं वो वाली फाइल इसी फोल्डर में है ना जी, इसी फोल्डर में है, इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि ये फाइल हम इसी के अंदर रखें, तो ये चीज वहां आ जाएगी, कोई दिक्कत है। तो पहले तो हम सॉलिड कलर यूज करना सीखे, अब हम टेक्स्ट को उस हिसाब से भी सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए, वाह।